डर एक एहसास में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है और मैं पंजाब का रहने वाला हूं और ये मेरा असली नाम है। तो दोस्तों, आप इस आवाज को तो पहचानते होंगे, लेकिन मैंने कभी इस चैनल पर अपना चेहरा नहीं दिखाया, जिसके अलग कारण थे। मैं ये वीडियो 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पर लाना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश मैं वीडियो ला नहीं पाया और उसके बाद मेरी सेहत थोड़ी सी खराब हो गई और बाद में भी ये वीडियो मैं नहीं ला पाया। लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, और आज मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमें YouTube ने खास गिफ्ट भेजा है और मैं इसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि यार मैं अकेला इसका हकदार नहीं हूं, आप सब भी इसके हकदार हो। तो दोस्तों, ये है हमारा सिल्वर प्ले बटन, यानी कि हमने एक अचीवमेंट कर ली है और हमारा चैनल और बड़ा हो गया है। इसके बाद तो 1,000,000 वो भी जल्दी ही हो जाएंगे यार, हमारा परिवार बड़ा हो जाएगा और आगे और भी ज़बरदस्त कहानियाँ आएंगी। तो अभी शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। तो सबसे पहले हिमांशु वर्मा ने पूछा है कि वीडियोस शॉर्ट बनाया करो, सभी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो मेरे भाई, 40 मिनट से 50 मिनट की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं खुद शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहता हूँ, लेकिन जो 50 मिनट की वीडियो में स्टोरी बनती है ना, वो छोटी वीडियो में नहीं बन पाती। मेरे भाई, बड़ी वीडियो का यही मज़ा है, और आपको मेरी वीडियोस इसीलिए पसंद आती हैं क्योंकि मैं बड़ी वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं, सिंगल स्टोरी होती है जो कैरी होती है, और कभी कभी भाई 7-8 वीडियोस की एक स्टोरी खत्म होती है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और शॉर्ट वीडियोस मैंने बनाकर देखी हैं, आपको पसंद नहीं आती तो आपको यार कैसे लगेगा अगर मैं कोई शॉर्ट वीडियो बनाऊं जिसमें कोई भूत आया फिर उस भूत को भगा दिया, स्टोरी खत्म। यानी यार 10-15 मिनट में स्टोरी शुरू होती है, बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। पहले 10 मिनट तो बिल्डअप करने में लग जाते हैं कि क्या स्टोरी है शुरुआत, और उसके बाद स्टोरी में ट्विस्ट डालने होते हैं। तो कम से कम 30 से 40 मिनट की स्टोरी अच्छी रहती है, तभी आपको मज़ा आता है ना। आता है ना, कमेंट्स में बताओ कितना मज़ा आता है। दूसरा सवाल पूछा है पुष्पराज ने। पुष्पराज, मेरा डॉलर साइन क्वेश्चन है, डॉलर साइन इज इक्वल टू व्हाई योर वॉइस इज वेरी स्वीट। भाई, मेरी वॉइस स्वीट है? मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इस आवाज़ को डरावनी बना पाऊँ, ताकि आपको स्टोरी सुनते वक्त डर लगे, आप उस स्टोरी के अंदर घुस पाओ। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी आवाज़ स्वीट लगती है तो थैंक यू यार, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से प्यार है इसलिए आपको स्वीट लगती है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस आवाज़ से डरा पाऊँ। इसी सवाल के पीछे हाई क्लचस ने पूछा है, एंड माई क्वेश्चन इज व्हाट इज योर एज। सच बताना, सही वाली बताऊँ या बिल्कुल सही वाली? अगर इस बायोलॉजिकल एज के बारे में बताऊँ तो मेरी एज है 32, बिल्कुल सही बताई है। लेकिन अगर इंटर डायमेंशनल एज बताऊँ तो आप यकीन नहीं करोगे, तो वो रहने देते हैं। विवेक राणा पूछते हैं, सर मेरा क्वेश्चन है, क्या इंसान की तरह एनिमल्स के भी घोस्ट होते हैं? तो देखो, अगर किसी चीज़ की आत्मा होती है तो घोस्ट भी होते हैं, लेकिन जो आत्मा है उसका रूप नहीं होता। ज़्यादातर कहानियों में आपने देखा होगा जो घोस्ट होते हैं वो दिखाई नहीं देते और कुछ करते हैं, तो आपको कैसे पता कि वो एनिमल का घोस्ट है, उसकी आत्मा है या इंसान की आत्मा है? जो सबसे खतरनाक चीज़ होती है ना, वो है जिसे हम देख नहीं सकते। आपको कैसे लगेगा बॉलीवुड की मूवीज़ में वो दिखाए हुए बेकार से वो भूत, उसे डर लगता है, या वो भूत जो नज़र ही नहीं आए पूरी मूवी में, पता ही ना चल पाए क्या चीज़ थी जो सबको मार रही थी? दिमाग में सोचो, सबसे खतरनाक चीज़ क्या है जिसे देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं? यकीनन जिसे नहीं देख पाते हैं। अगर उन्हें देख ही नहीं पाते तो हमें कैसे पता कि वो इंसान का भूत है या किसी जानवर का? नवीन बाबा जी पूछते हैं कि मेरा सवाल तो एक ही है कि आपने आज तक अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया, ऐसा तो क्या प्रॉब्लम हो गई थी? आप 1,00,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद अपने चेहरे को दिखाने में इतना हिचक क्यों रहे हैं? आप कोई क्रिमिनल या वांटेड इंसान तो नहीं कि आपका चेहरा देखकर पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर लेंगे? भाई, सच में मैं आपको क्रिमिनल लगता हूँ? यार, चेहरा ना दिखाने का कारण था, मैं इस चैनल को पहले बड़ा करना चाहता था, मैं शुरू में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, आपको बोर नहीं करना चाहता, और हो सकता है इस चैनल पर दोबारा आप मेरा चेहरा कभी देखो ही ना।
मैंने इस चैनल को पॉडकास्ट चैनल बनाया है और यहाँ पर आपको कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, और ये शायद जहाँ तक मैंने सोचा हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो होगी मेरे फेस की इस चैनल पर। आप कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर आते हैं, मैं अपना चेहरा दिखाकर आपको बोर नहीं करना चाहता। अगर फिर भी आप मेरा चेहरा देखना चाहते हैं तो और चैनल्स हैं, एपिक मिस्ट्रीज हिंदी, आपको पता होगा, डरावनी रातें भी मेरा चैनल है और वहाँ पर भी मैं आपके लिए और ज़्यादा कहानियाँ लेकर आता हूँ। एक दिन मैं यहाँ पर इस चैनल पर वीडियो डालता हूँ, उससे अगले दिन मैं उस चैनल पर वीडियो डालता हूँ, उसके बाद एक छुट्टी, स्टोरीज की छुट्टी, और उसके बाद ये साइकिल रिपीट होता है। 3 दिन में 2 वीडियोस मिलती हैं। लेकिन एक और चैनल है एपिक मिस्ट्रीज हिंदी, जहां पर मैं अपने फेस के साथ आपको हॉरर स्टोरीज सुना रहा हूं, नई वीडियोस ला रहा हूं, उसे भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहां पर आपको फेस की वीडियोस मिलेंगी। और इस चैनल पर यार दोबारा मैं फेस की वीडियोस शायद ही डालूं। अगर इन फ्यूचर और एक क्वेश्चन आंसर वीडियो बनेगी तो शायद मैं फेस की वीडियो लेकर आऊं, लेकिन और कोई चांस नहीं है कि इस चैनल पर मैं और फेस दिखाऊं। मनोज कुमार पूछते हैं, तुम मूवी क्यों नहीं बनाते अपनी कहानियों पे? गोस्ट हंटर की सीरीज काफ़ी हद तक ब्लॉकबस्टर हो सकती है, ट्राई करो ना। भाई एक मूवी बनाना अगर इतना आसान होता तो मैं कई मूवीज़ बना चुका होता यार। बहुत ज़्यादा खर्च आता है और ये चैनल अभी भी इतना ग्रो नहीं हुआ है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि कोई मैं मूवी बना पाऊँ। और आपको पता है मूवीज़ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सिर्फ स्टोरी नहीं चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और मेरे जैसा छोटा क्रिएटर यार शायद ही मूवीज़ तक पहुंच पाए, वहाँ कुछ और चलता है यार, नेपोटिज्म और कुछ, आप समझ सकते हो ना। तो हम यहीं पर कहानियाँ सुनाते हैं, यहीं आपको कहानियाँ मिलेंगी। अगर इन फ्यूचर भगवान ने चाहा कहीं पहुँचा दे तो देखेंगे, लेकिन अभी तो ज़्यादा कोई चांसेस है नहीं। सूबेदार राज कहते हैं कि आपकी कहानी वाकई बिजनेस और दोनों चीज़ के लिए पर्याप्त है। आपकी कहानी सुनते सुनते कब दिन बीत जाता है मालूम ही नहीं चलता, मैं बिजी रहता हूँ इसलिए कमेंट नहीं कर पाता, दिन मेरे को प्लीज़ गलत। और इतना ही, मैं समझ गया क्या कहना चाहते हो आप। यार मैं कहानियाँ पॉडकास्ट में इसीलिए लेकर आता हूँ ताकि आप अपना काम करते रहो, हेडफोन लगाओ, कहानी सुनो। सिर्फ रात में सुनने वाली कहानियाँ नहीं होती, आप इंजॉय करो, कहीं घूमने जा रहे हो हेडफोन लगाओ सुनते जाओ। कई बार हम बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी हिलती है भाई तो आंखें खराब हो जाती हैं, आप देख नहीं पाते, तो हेडफोन लगाओ, कहानी सुनो, एंजॉय करो। कई के पास टाइम नहीं है मूवीज़ देखने का, काम में बहुत बिजी हैं, तो ऐसी ही कहानियाँ सुनना बहुत आसान है भाई, सुनना आसान है, काम करते रहो, कहानी सुनते रहो। समीर भाई पूछते हैं, क्या आपा ना भूत को पकाहा है? मैं समझ गया क्या कहना चाहती हो, आपकी भावनाओं को मैं समझ गया, आप कहना चाहती हो कि क्या मैंने कभी भूत को भगाया है। तो यकीन करो भाई, मेरे पास भूत को आने के लिए हिम्मत चाहिए, यकीन करो ये भूतों की उतनी नॉलेज नहीं है। मैं कौन से डायमेंशन में भेज दूंगा ना, तो हिम्मत नहीं होगी भूत की मेरे पास आने की। कोमल राजपूत पूछती हैं, जगदीश वाली स्टोरी कब आएगी, हम वेट कर रहे हैं कब से? तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ इतनी वेट करवाने के लिए, मैंने उस स्टोरी को 2 सीज़न तक ही लिखा था यार, उसके बाद भी स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी थोड़ी विजुअल्स पर ज़्यादा है, आप समझ सकते हो ना। उस स्टोरी को यार एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, विजुअल्स में दिखाना अच्छा है, उस पर एक मूवी बन सकती है, वेब सीरीज बन सकती है, लेकिन पॉडकास्ट में समझाना बहुत मुश्किल होगा भाई। तो वो विजुअल्स की स्टोरी मैं सोचूंगा कैसे उसे मोल्ड करके आपको सुनाऊं, या हो सकता है इन फ्यूचर इस पर एक वेब सीरीज ही लेकर आऊं या शॉर्ट फिल्म ही लेकर आऊं। तो ये तो एक सरप्राइज होगा ना, वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, सरप्राइजेस देना मुझे बहुत पसंद है। यश कांबले पूछते हैं, क्या आप भूतों पर विश्वास करते हो? तो मेरे भाई मैं इस चैनल पर 200 वीडियोस लेकर आ चुका हूँ, अपने दूसरे चैनल पर 100 से ज़्यादा वीडियोस लेकर आ चुका हूँ, कुल मिलाकर 300 से ज़्यादा वीडियोस सिर्फ भूतों की। तो आपको क्या लगता है, मुझे भूतों पर यकीन होगा या नहीं, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। दीपक रावत पूछते हैं, मेरा सवाल ये है कि ये सब स्टोरी जितनी भी आप सुनाई है सब रियल है कि काल्पनिक है, और अगर रियल है तो ये सब स्टोरी आपको कौन भेजता है या कहाँ से लाते हो ऐसी यूनिक स्टोरी? तो भाई कई स्टोरीज़ हैं जिन्हें आप ही की तरह सब्सक्राइबर्स भेजते हैं, मैं उसे थोड़ा सा मोल्ड करता हूँ, थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ, क्योंकि जो आप भेजते हैं वो स्टोरी बहुत छोटी होती है, उन्हें मैं बड़ी नहीं बना सकता। तो रियल स्टोरी जो मैं सुनाता हूँ वो थोड़ी बड़ी करके बताता हूँ, उसे ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो वो तो हो गई रियल स्टोरी सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई। और कई कहानियाँ जिसे मैं कहता हूँ कि वो रियल नहीं है भाई, वो काल्पनिक हैं और उसे मैंने बनाया होता है राइटिंग के सहारे, आपका मनोरंजन करने के लिए वो स्टोरीज़ हैं। लेकिन कई स्टोरीज़ रियल हैं जिन्हें सब्सक्राइबर्स भेजते हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं जो मेरे साथ घट चुकी हैं घटना, या किसी और के साथ घट चुकी है वो मुझे बता चुके हैं। कई स्टोरीज़ ऐसी हैं जो
50% या 30% रियल कह सकते हैं, कोई घटना जो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है, कोई जगह बाहर की जो विदेशी कई कंट्रीज हैं वहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उनसे इंस्पायर होकर मैं स्टोरीज लिखता हूँ, तो उसे आप 30% रियल कह सकते हैं और 70% बनाई हुई कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको मज़ा आना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, तो वो मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो एक मेरे भाई क्वेश्चन तो पूछते हैं, लेकिन उन्होंने नाम किसी और भाषा में लिखा हुआ है। मुझे यार ये भाषा नहीं आती, मैं कमेंट को सामने दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। और भाई मेरे पूछते हैं, भाई आपके कितने चैनल हैं और कमेंट को वीडियो में दिखाइएगा। तो भाई वीडियो में दिखा दी कमेंट। और कितने चैनल हैं, तो एक तो है डर एक एहसास, डरावनी रातें, और अभी आपको बताया एपिक मिस्ट्रीज हिंदी, जिस पर आपको हॉरर स्टोरीज मिलेंगी, लिंक नीचे है। उसके बाद एक है मेरा पुनीत भाई, जिस पर मैं फेस वीडियोस लेकर आऊँगा, लेकिन वो हॉरर नहीं होंगी, उसे मैं एंटरटेनमेंट की तरह फ़नी बनाऊंगा या और बनाऊंगा, उस चैनल का लिंक भी उससे नीचे आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं और उसका रहस्य धीरे धीरे खुलेगा, कुछ राज समय के साथ खुलते हैं और वो आपको अभी पता नहीं चलेंगे। इस कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें पता तक नहीं होगा मेरे कितने चैनल हैं, और ऐसे रहस्य रहस्य ही रहने चाहिए, कुछ राज राज ही बने रहने चाहिए, आपको पता है ना। रियाज पूछते हैं, हेलो भाई आप स्टोरीज कहाँ से लाते हो? तो मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, स्टोरीज इंस्पायर्ड होती हैं लेकिन वेल रिटन बाय मी, यानी कि मैं उन्हें बनाता हूँ। 30% 20% रियल होती हैं लेकिन ज़्यादातर बनाई हुई होती हैं। और कभी मैं दूसरे चैनल्स पर वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, कैसे बनाता हूँ हॉरर स्टोरीज। आपको ऐसी स्टोरीज और चैनल्स पर नहीं मिल सकती, मेरा यकीन करो यार, नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये बनाने का एक यूनिक तरीका है, राइटिंग करने का अलग तरीका है, और आपको और चैनल्स पर ऐसी स्टोरीज नहीं मिलेंगी, ये मेरा यकीन है। अभी कुछ महीनों या एक दो साल तक तो बिल्कुल नहीं, यकीन करो। शिवम स्टेटस कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा डरावना बनाया करो, थोड़ा बिजली रखा करो, उसमें मज़ा आता है। तो मेरे भाई मैं पॉडकास्ट बनाता हूँ, उसमें इफ़ेक्ट्स थोड़े कम रखता हूँ, मैं ज़्यादा डरावना नहीं बनाना चाहता। और आपको पता है अगर 40-50 मिनट्स की एक वीडियो, उसमें मैं इफ़ेक्ट्स डालूंगा, विजुअल्स भी डालूंगा, तो आपको यार 3 दिन में 2 वीडियोस नहीं मिल सकती। ऐसी वीडियो बनाने में 1 हफ्ता लगेगा, और सिर्फ वही बनाने में 1 हफ्ता लगेगा, आप समझ सकते हो ना। तो मैं ज़्यादा वीडियोस लाने के लिए इफ़ेक्ट अभी नहीं डालता। कभी यार कमेंट करो कि आपको ज़्यादा डरावनी चाहिए, तो यकीन करो मैं ऐसी स्टोरीज मेरे पास हैं जो शॉर्ट हैं लेकिन बहुत डरावनी हैं, और मैंने विजुअल्स इफ़ेक्ट्स लगा दिए ना भाई, फटकर हाथ में आ जाएगी, यकीन कर लो। ऐसी वीडियो इसीलिए नहीं बनाता, मैं किसी को हार्ट अटैक नहीं देना चाहता। किंग ऑफ किंग कहते हैं, ये सब कहानी की स्टोरी आप खुद लिखते हो? तो मैंने बताया कि ज़्यादातर कहानियाँ मैं ही लिखता हूँ, अगर सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई होती भी हैं तो वो छोटी होती हैं, बाकी का सारा काम मैं करता हूँ, सारी स्टोरीज़ मेरे द्वारा लिखी होती हैं। और इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज़ मैं इतनी जल्दी जल्दी कैसे बनाता हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, कुछ राज राज ही रहने चाहिए। टोकी शिच्चे भाई कैसा नाम है, ये पूछते हैं, भाई फॉरेस्ट रेंजर वाली वीडियो कब आएगी? भाई फॉरेस्ट रेंजर वाली यार चैनल पर बहुत वीडियोस डाली हुई हैं और टाइम टू टाइम आती रहती हैं, मैं गैप डालता हूँ वीडियोस में, यानी कि एक टाइप की स्टोरी ना रिपीट नहीं होगी। तो अगर आपको टाइम स्पेस की वीडियो मिलेगी, टाइम ट्रैवल की वीडियो मिलेगी, गोस्ट की वीडियो मिलेगी, वैम्पायर की मिलेगी, तो फॉरेस्ट रेंजर की बाद में बारी आएगी। इसी तरह मैं शफल करते हुए वीडियोस बनाता हूँ ताकि बोर ना हो, और हर तरह के जो लोग हैं हमारे चैनल पर, आप सबको एंटरटेनमेंट मिलता रहे, और आप कभी भी गैस कर ही ना पाएं कि नेक्स्ट वीडियो कैसी होने वाली है, कभी गैस होगा ही नहीं। और हर बार जब आप वीडियो देखोगे तो लास्ट में पता चलेगा क्या सस्पेंस है, गैस होने नहीं देना भाई, यही तो हॉरर का मज़ा है, पता ही नहीं लगने देना एंड क्या होगा, तो इसी में मज़ा है। और ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, आप बस गैस करते रहना। XYZ आहुति कहते हैं कि ओवर एक्टिंग थोड़ा कम करिए सर, आवाज़ में लयालिटी नहीं पता चलता। तो मेरे भाई मैं ओवर एक्टिंग नहीं करता, आपको एंटरटेन करने के लिए ये सब करता हूँ, और आपको पता है एक पॉडकास्ट में आप फेस एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते, एक्सप्रेशन आप नहीं दिखा पाओगे तो आवाज़ में ही वेरिएशन लेकर आनी पड़ेगी, आवाज़ से ही दिखाना पड़ेगा मैं डरा हुआ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं कैसी बात कर रहा हूँ, वरना बोरिंग सी आवाज़ बन जाएगी। और ये भी आवाज़ में वेरिएशन लाने का एक तरीका होता है। ये अगर आपको लगता है ओवर एक्टिंग है तो मुझे माफ़ कीजिए,
मुझे जितनी नॉलेज है मैं उसी तरह से कहानी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वो एक्टिंग जहाँ पर मैं आपको लगता है कि मैं ओवर कर रहा हूँ, वहाँ पर सीन ही ऐसा होता है। तो उसके लिए मुझे आवाज़ में ही कुछ करना होता है, विजुअल्स मैं डाल नहीं सकता, चेहरा डाल नहीं सकता, एक्सप्रेशन दिखा नहीं सकता, तो आवाज़ में ही वो सब करना पड़ जाता है। तो माफ़ कीजिए अगर ओवर एक्टिंग लगी आपको, मैं अब क्या कर सकता हूँ ये भी नहीं कह सकता, मैं कोशिश करूँगा नहीं करूँगा भाई, करनी पड़ेगी, अब क्या करूँ, कहानी आवाज़ से ही बनती है तो आवाज़ में ही करूँगा और क्या करूँगा। आदित्य मिश्रा पूछते हैं, भाई तुम्हारे पीसी के स्पेक्स क्या हैं? तो भाई अभी पीसी के स्पेक्स, यार हॉरर वीडियो ये बनाने में ज़्यादा कोई बड़े पीसी की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी मेरे पास पीसी बहुत अच्छा है, वो बात अलग है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, राइजन 7 है, 1650 का ग्राफिक कार्ड है, अच्छा मदरबोर्ड है, बस रैम 32 GB, तो इतने से काम चल जाता है। लेकिन अगर 8 GB रैम होती, i3 प्रोसेसर होता, ग्राफिक कार्ड 710 होता, तो भी ये काम हो जाता। देवांशु कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब स्टोरी चैनल, थैंक यू ब्रो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपको सरप्राइज करने की, आपको एंटरटेन करने की। और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल स्टोरी में अच्छा है तो थैंक यू वेरी मच यार, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको एंटरटेन करने की, करता ही रहूँगा। मिस्टर महेश शिवा पूछते हैं, VHS पार्ट 2 कब आएगा? भाई VHS टेप वाला वो एक ही पार्ट है, उसका सेकेंड पार्ट नहीं है, उसका सेकेंड पार्ट नहीं आ सकता, स्टोरी आगे है ही नहीं। सेतु साहू पूछते हैं, सर आपने जो हॉरर यूनिवर्स क्रिएट किया है उसका आइडिया का स्टार्ट कैसे हुआ? तो यार मैं हॉरर पॉडकास्ट चैनल काफ़ी समय से बनाना चाहता था, तो मैंने पॉडकास्ट स्टोरीज शुरू की, और जैसे जैसे मैं बनाता गया मुझे यार समझ में आया ये मेरा इंटरेस्ट है यार, कहानियाँ ऐसे वेल रिटन कहानियाँ बनाना, उसके बारे में सोचना यार मैं बहुत पसंद करने लगा था। तो उसके बाद ना जैसे ही मुझे कॉन्फिडेंस बनना शुरू हुआ, आपने यार बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मैं और अच्छी कहानियाँ बनाना शुरू कर गया। और फिर जब आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, ऑडियंस आपको प्यार देती है, तो आइडियाज़ आते हैं, और जब वो आइडियाज़ का फ्लो स्टार्ट हुआ तो ऐसी यूनिवर्स बनती चली गई, मैं कहानियाँ सोचता गया बनाता गया, और एक तरह से यूनिवर्स ही क्रिएट हो गया यार। जगदीश और हेनरी डिटेक्टिव स्टोरीज, अभी विक्टर महाजन भी आ गया है, इसके बाद और भी है यार, उसके बाद क्रॉसओवर स्टार्ट होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ पॉडकास्ट में, यार इतना बड़ा यूनिवर्स क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, सिर्फ आवाज़ से ही कहानियों में एक दूसरे में रिलेट करना। अगर इन पर कोई वेब सीरीज़ बने ना, तो भाई ऐसी राइटिंग कर सकता हूँ, आग लग जाएगी, ऐसी स्टोरीज़ बॉलीवुड में है नहीं, मेरे पास ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं, लेकिन भाई क्या करें, अभी बजट की कमी है तो स्टोरीज सुनने को ही मिलेंगी। लेकिन फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स हैं तो सरप्राइज ज़रूर मिलेगा, और जब मिलेगा बहुत बड़ा मिलेगा। अरिजीत दास पूछते हैं, क्या आप वॉइस को अट्रैक्टिव करने के लिए टेक्निक्स यूज़ करते हैं? तो मेरे भाई टेक्निक्स यूज़ नहीं करता यार मैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 6 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, बिल्कुल सच यार, 6 साल से काम कर रहा हूँ, और धीरे धीरे ना आपकी आवाज़ यार अच्छी होती चली जाती है। जब मैं पुरानी वीडियोज़ को देखता हूँ तो मेरी आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं थी यार, अगर आप मेहनत करो तो भाई सब कुछ होता है। मैं जानता हूँ अभी मेरी वॉइस में डेप्थ बहुत ज़्यादा है, मैं काफ़ी भारी आवाज़ में बोल सकता हूँ, थोड़ी वेरिएशंस ला सकता हूँ, और ये समय के साथ मैं सीखता गया। मैं कोई प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन टाइम के साथ इवॉल्व हुआ हूँ। वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत अपनी आवाज़ को अच्छा बनाने की कोशिश करो, सीखो और वीडियोज़ देखो कैसे बोलते हैं, खुद रिहर्सल करो, आपकी आवाज़ अच्छी होगी। और मेरी आवाज़ सच में 6 साल पहले और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत अच्छी अपने आप हुई, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस ही करता हूँ भाई, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज रिकॉर्ड करता हूँ और भी चैनल्स पे काम करता हूँ अपने, तो बोलना सारा दिन लगा रहता है, आवाज़ धीरे धीरे अच्छी होती चली गई। कूल टॉक कहते हैं कि सर आप एनिमेशन के साथ स्टोरी सुनाओ, आपकी स्टोरी लाजवाब होती है। तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन एनिमेशन के साथ मैं भी बनाना चाहता हूँ, मुझे एनिमेशन भी आता है, बिल्कुल यार अब एनिमेशन भी आता है, मैं क्या करूँ, तो मैं बना सकता हूँ लेकिन उसमें अभी टाइम नहीं लगा सकता। एनिमेशन बनाना यार वो अलग चीज़ हो गई भाई, एक हफ्ता लग जाएगा एनिमेशन बनाने में, 40 मिनट की स्टोरी में एक हफ्ता लग जाएगा, एक स्टोरी आएगी, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा यार एनिमेशन स्टोरी सिर्फ हफ्ते में एक, और स्टोरीज नहीं आएंगी और चैनल्स पे काम नहीं होगा, एनिमेशन बनाना एक अलग जॉब है,
भले ही मुझे आती है लेकिन मैं बनाने की कोशिश नहीं कर सकता। व्यूज भी इतने नहीं आते यार, इतने पैसे भी नहीं बनते कि मैं हायर कर लूँ कोई एनिमेशन आर्टिस्ट या एनिमेशन बनाने वाला ताकि वो बना पाए। तो अभी के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। इन फ्यूचर शायद मैं एक और चैनल बनाऊं, जब ये चैनल्स थोड़े अच्छे चलेंगे, आप ज़्यादा प्यार दोगे, मेरी जेब में थोड़े से पैसे आ जाएंगे, तब कोशिश करूँगा। ऑडियंस चैनल ये पूछते हैं कि आई वांट टू आस्क यू समथिंग कि मैं अपने आप को 5 साल में कहाँ देखता हा, एंड इन फ्यूचर आप यूट्यूब पर ही कंटिन्यू करोगे? बिग फैन। थैंक यू ब्रो। देखो, अगले 5 साल में यार मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ देखता हूँ, मैं हॉरर पर कैसा काम करूँगा। इन फ्यूचर अगर कोई तगड़ा आइडिया आया, कुछ नया ही इन्वेंट कर देंगे, वेब सीरीज़ भी आ सकती है। मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसे मैं खुद शूट कर पाऊँ। आप समझ सकते हो ना यार, बजट की कमी के कारण मैं खुद शूट करके हॉरर स्टोरीज़ बनाने की कोशिश करना चाहता हूँ। कैमरा मेरे पास अच्छा है तो मैं सोच रहा हूँ कुछ आर्टिस्ट को लेकर मैं खुद ही शूट करके बनाऊँ। यार कमेंट करो, आप देखना चाहते हो मेरे द्वारा बनाई गई हॉरर वीडियो? शॉर्ट हॉरर वीडियो बनेगी 5 से 10 मिनट की, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अगर आपको पसंद आई तो भाई बनाते चले जाएंगे, और इन फ्यूचर 5 साल में किसी ने देखा थोड़ी ना है, कहीं भी जा सकते हैं भाई। बॉलीवुड OTT सब खाली पड़ा है, और भगवान लेके जाए तो आगे ज़मीन निकल जाएंगे और आसमान फाड़कर ऊपर पहुंच जाएंगे। बस उतना ऊपर नहीं, मतलब वो ऊपर नहीं जाना है, जिंदा वाला ही ऊपर जाना है, दूसरा ऊपर नहीं जाना। 2COD4U ये पूछते हैं, यार बहुत सारे सवाल पूछे हैं भाई। तो मेन चीज़ आप जो पूछना चाहते हो, जो मैं समझ पाया हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, मैं पंजाब से हूँ यार, पंजाब के एक छोटे से शहर नवा शहर से हूँ। उसके बाद आपके और सवाल, सिंगल और मैरिड हूँ, और आपकी उम्र क्या है? 32 ईयर्स बायोलॉजिकल एज, वो भी आप समझ गए होंगे। DK King कहते हैं कि ये सर मुझे भी आपसे कुछ पूछना है, हार्ट हार्ट। तो भाई पूछना है तो पूछना था ना, मुझे नहीं पता, मैं दोबारा क्वेश्चन आंसर वीडियो लेकर आऊँगा। तो सवाल नहीं पूछा आपने, लिख दिया। तो पूजा एस कुलकर्णी कहती हैं कि मेरा एक ही है क्वेश्चन, आप हर कहानी का पार्ट 2 क्यों नहीं लेकर आते? तो देखो, मैं कहानी का पार्ट 2 लेकर आता हूँ। कुछ कहानियाँ होती हैं जिनके आगे राइटिंग बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जैसे जगदीश और हेनरी, आपको पता है गोस्ट हंटर के 2 सीज़न आ गए, और 3rd सीज़न के लिए यार विजुअल्स ज़्यादा हैं, इसलिए मैं राइटिंग नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, बहुत दिमाग ख़राब हो जाएगा। दूसरा हो गया डिटेक्टिव, उनकी तो मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। लापता की क्यों नहीं ला रहा? मुझे पता है सबका सवाल ये है कि लापता का 3rd पार्ट क्यों नहीं ला रहा। भाई उसके भी विजुअल्स ज़्यादा हैं, जो अलग दुनिया है ना, उसके विजुअल्स ज़्यादा हैं। उस पर एक वेब सीरीज़ बन सकती है, मूवी बन सकती है, लेकिन सुनाने में, कहने में, कहानी में इतना शायद अच्छा ना लगे, इसलिए उस स्टोरी को वहीं पर रोका हुआ है। इन फ्यूचर विजुअल्स की जब वीडियो आएगी तो देखेंगे, लेकिन अभी उसका मैं 2nd पार्ट या 3rd पार्ट नहीं ला सकता, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मैं लेकर आता हूँ, जहाँ मैं कहानी को छोड़ता हूँ उसको, उसका अंत ज़रूर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, कुछ कहानियों का अभी अंत नहीं हुआ, वो सरप्राइज़ है ना, कुछ और बड़ा आएगा और अच्छा आएगा। तो इंतज़ार करिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ, आपको सरप्राइज़ देना मुझे पसंद है। AstroBGMI पूछते हैं क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू रीड कमेंट्स एंड रिप्लाई देम इन कमेंट सेक्शन, बाय द वे लव योर वीडियोस। तो मैं माफ़ी मांगता हूँ यार, मैं हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता। देखो, मेरे पास टाइम कम है, और चैनल्स पर काम करता हूँ, स्टोरीज पर काम करता हूँ, तो मैं जो आपकी कमेंट्स होती ना, पढ़ता ज़रूर हूँ। मैं हर कमेंट को पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ, बहुत कम कमेंट्स होंगी जो मैं पढ़ नहीं पाता, वरना हर कमेंट को पढ़ता हूँ। और आपको पता है, कमेंट पढ़ूंगा तो टाइम तो वेस्ट होगा, तो मैं जल्दी जल्दी कमेंट्स पढ़ता हूँ जो बहुत ज़रूरी लगती हैं, या किसी ने सवाल पूछा होता हो तो मैं रिप्लाई भी करता हूँ। वरना यार मैं पढ़कर आगे और पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स पढ़ पाऊँ, इसलिए टाइम कम होता है, रिप्लाई नहीं कर पाता, तो मुझे माफ़ कीजिए। इसीलिए तो यार मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि मेन जो आपके सवाल हैं उनका जवाब दे पाऊँ। सपन अग्रवाल कहते हैं कि एक्सीलेंट, वन डजंट ऑलवेज नीड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स टू स्केयर पीपल। थैंक यू वेरी मच, किसी ने यार पहचाना। मैं सच में यार, मैं मानता हूँ भाई, भूत प्रेत जो डर लगता है ना, भूत प्रेत से नहीं लगता भाई, डर हमें उससे लगता है जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो ऐसी स्टोरीज लेकर आता हूँ जिससे डर लगे, और हर कहानी में भूत डालना ज़रूरी नहीं है यार।
तो दोस्तों ये थी उस वीडियो पर आई ज़्यादातर कमेंट्स जिसे मैंने रिप्लाई कर दिया है। रिपीटेड जो क्वेश्चंस थे मैंने उनका जवाब दे दिया है। और वीडियो यार मुझे लगता है काफ़ी लंबी हो गई है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, कोई स्टोरी नहीं है। मुझे नहीं लगता यार इस वीडियो को ज़्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि यार आप कहानी सुनने के लिए इस चैनल पर आते हो और आज मैं सिर्फ सवालों का जवाब दे रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं शायद ही दोबारा फेस कैम वाली वीडियो इस चैनल पर लेकर आऊँ। अगर आप मेरी फेस कैम वीडियोज़ देखना चाहते हो तो नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, एक हॉरर चैनल का है, एक फ़नी और मेरे बारे में जानने के लिए उस चैनल का दिया हुआ है, तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने कोशिश की आपके हर सवाल के जवाब देने की, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने हमारे इस चैनल को इतना प्यार दिया। और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता रहूँगा ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एक और डरावनी कहानी आएगी आपके पास मेरी ही इस आवाज़ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।